वहीं बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो आ रही है ग्वालियर से, जहां पर कमलनाथ सरकार के मंत्री नाले में उतर गए। लगातार 5 दिन से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई कर रहे हैं। शहर में सफाई अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज वो नाले में उतर गए। नाले में उतर कर उन्होंने सफाई की है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर कमलनाथ सरकार के मंत्री आज नाले में उतर गए। ग्वालियर में लगातार 5वें दिन मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई की है। उनका ये सफाई अभियान लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर जाकर वो सफाई कर रहे हैं और इसी के तहत आज उन्होंने नाले में उतर कर सफाई की और खुद ही वहां से गंदगी भी निकाली। कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज ग्वालियर में नाले में उतर गए और वहां पर सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि लगातार 5 दिनों से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई कर रहे हैं। उनका ये सफाई अभियान लगातार जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र तलेगांवकर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का लगातार सफाई अभियान जारी है और आज वो नाले में उतर गए, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने लगातार ये अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने मतलब एक संकल्प लिया है कि हमें ग्वालियर शहर को स्वच्छ बनाना है, यहाँ के लोगों को स्वस्थ बनाना है। तो अपने इस अभियान के तहत वो अपना निरंतर काम जारी रखे हुए हैं। वो एक ये लोगों में और अधिकारियों में संदेश दे रहे हैं कि हमें इस शहर को स्वस्थ बनाना है। और उन्होंने ये भी चेतावनी भी साथ में दी जा रही है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसके बाद अगर अगली बार मुझे ऐसा कुछ मिला तो उसमें जो है फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। ये उन्होंने मतलब जो है स्पष्ट कर दिया है। और अभी हाल ही में मंत्री जयवर्धन सिंह जी भी आए थे, तो उनसे भी पत्रकारों ने जब पूछा था कि मतलब मंत्री को सफाई करना पड़ रही है, क्या है मतलब ये आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा और हम इसको करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि उसका कुछ असर हुआ है। तो ये लगातार उनको जो है आज तो मतलब उनको जिस प्रकार से वो नाले के अंदर उतर के सफाई कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हालांकि वो कई बार ऐसे काम कर चुके हैं जी, लेकिन आज का जो उनका जो कार्य है वो वास्तव में मतलब एक निगम के लिए तो कम से कम शर्मनाक है, क्योंकि निगम यह सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो अब दफ्तरों से निकलना नहीं चाहते और दफ्तरों में बैठे रहते हैं, फाइल फाइल खेलते रहते हैं। अब फाइल फाइल खेलोगे तो फिर क्या होगा, शहर के हालात तो ऐसे होंगे ही, अगर कचरा नहीं उठ रहा है, नाले साफ नहीं हो रहे तो ये कौन देखेगा? ये जी मंत्री हर बार थोड़ी देखने जाएंगे, या मंत्री फावड़ा मंत्री का काम थोड़ी कचरा उठाने का या नाले में उतरने का। बिल्कुल, तो जिस तरह से 5 दिन से लगातार उनका ही सफाई अभियान जारी है, किसी तरह से अफसरों पर अधिकारियों पर किसी तरह का कोई असर दिखाई दे रहा है इस पूरी कार्रवाई का, जिस तरह से लगातार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार सफाई अभियान चला रहे? अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा असर दिखाई नहीं दिया है, लगातार मतलब उनके चेतावनी के बाद भी ऊपरी तौर पर जरूर मतलब जो है कहीं कहीं सफाई हुई है, लेकिन बड़े बड़े नाले हैं, हर बार नगर निगम कहता है कि हम जो है बरसात के पहले सब साफ कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। फाइल बन जाती है, भुगतान हो जाते हैं और सफाई हो जाती है, जैसे कि सफाई हो जाती है नाले सफाई नहीं होते जी। ये तो मतलब ये यहाँ की स्थिति है, और उस क्षेत्र के पार्षद भी तो जिम्मेदार हैं, आखिर उनको नहीं दिखता क्या ये सब क्या हो रहा है? जी निश्चित तौर पर जब एक मंत्री को खुद इस तरह से सफाई करने के लिए उतरना पड़ रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इस तरह से गंदगी शहर में फैलती जा रही है और खुद मंत्री इस तरह से कार्रवाई कर रहा है, उसको खुद उतरना पड़ रहा है। तो अब इस पूरे मामले में अगर जैसा कि बताया कि 5 दिन से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब जब 5 दिन हो चुके हैं इस कार्रवाई को करते हुए, तो किसी तरह की कार्रवाई अधिकारियों पर होती हुई दिखाई देगी इस मामले में? एक्चुअली उन्होंने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन बाद देखते हैं फिर क्या होता है। 7 दिन कहीं कहीं उन्होंने किसी जगह पे जाके 15 दिन बोले कि 15 दिन बाद मैं देखूंगा,
7 दिन बोले तो अभी 7 दिन उनका अभियान चल रहा है, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या इसमें एक्शन होता है। कहने को तो हमारे ग्वालियर नगर निगम में लगभग 3,000 सफाई कर्मचारी है, उसके बाद अगर ऐसे हालात है तो मतलब ये नगर निगम के लिए कुछ शर्मनाक है और अधिकारियों के लिए तो और भी ज्यादा शर्मनाक है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या करवा नहीं चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि कमलनाथ सरकार के मंत्री आज खुद नाले में उतर गए, उन्होंने अपने हाथों से नाले की सफाई की। इनका 5 दिनों से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सफाई अभियान ग्वालियर में चल रहा है, अलग अलग जगहों पर जाकर वो सफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द साफ सफाई यहाँ पर नहीं की गई तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5 दिनों से मंत्री इसीलिए अलग अलग जगहों पर जाकर सफाई अभियान चला रहे हैं।